नमस्कार, मार्केट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिवांशी आशर। और आज कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे आज पूरी पूरी मूवमेंट आती हुई दिख रही है, और अब बाजार में जो रिकवरी आई है वहां पे सपोर्ट लेवल्स क्या बन रहे हैं, कितनी बाउंस बैक की उम्मीद है, इन सब पर हम रोहित सिंगरे से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले नज़र करते हैं बाजार की पांच बड़ी बातों पर। सबसे पहले मार्केट्स पर नज़र करें। निफ्टी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है, 15,800 के बेहद नज़दीक अब निफ्टी में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स करीब 45 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही थी। लेकिन इसके साथ ही आप देखिए अदानी ग्रुप के शेयरों में आज चौतरफा बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। दो स्टॉक से अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोस्ट, जहाँ पे लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई है लेकिन इसके बावजूद डबल डिजिट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ। आईटी मेटल और फार्मा में सबसे ज्यादा आज खरीदारी देखने मिल रही है। जो डिफेंसिव्स हैं वो आज प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट्स में डाउ फ्यूचर्स 40 अंक मजबूत है। यूरोपियन बाजार भी हम देख रहे हैं 0.1% की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। हमारे बाजार भी आप देखिए लोअर लेवल से अब शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है। कौन से लेवल्स अहम होंगे और क्या इन लेवल से अब निफ्टी बैंक में भी खरीदारी करके चलना चाहिए, कैचअप रैली देखने मिलेगी, इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज से रोहित सिंगरे जुड़ चुके हैं। रोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले इंडेक्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देवांशी, देखिए इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो जो हम लोग फ्राइडे को 12:30 बजे वाले शो में बैठे थे तो मैंने निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों इंडेक्सेस के अंदर सेल कॉल दिया था और उसी के सभी टारगेट यू नो कहीं ना कहीं हम लोग को हासिल होते हुए दिखे हैं। बट अगर अभी मैं बात करूँ जो आज का जो सेशन है, जो जहाँ से हम लोग ने काफी अच्छा एक सपोर्ट से एक बाउंस किया है, तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर अभी काफी अच्छा पॉजिटिव है। कोई भी डिप आती है पर्टिकुलरली निफ्टी के अंदर, कोई भी डिप आती है 15,700 के करीब करीब आपको बाइंग ही इनिशिएट करके चलना चाहिए। शॉर्ट्स के मौके मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर आपको मिलते हुए नहीं दिखेंगे, एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो कोई भी डिप आता है आपको लॉन्ग सजेस्टेड है। आपका एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 15,600 का रहेगा, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि डिप में आपको बाइंग करना चाहिए। 15,700-15,720 एक ही मेरा लेवल रहेगा जहां पर मैं बाइंग इनिशिएट के बारे में सोच सकता हूँ। 15,600 मेरा ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मूव अभी ऊपर की तरफ हम लोग को 16,000 का देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर थोड़ा पोजिशनल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कोई भी डिप में बाय कीजिए। रही निफ्टी बैंक की बात देवांशी, यहाँ पर अभी भी स्ट्रक्चर जो है यू नो लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको एज ऑफ नो बाइंग के कोई सिग्नल नहीं है। तो निफ्टी बैंक के अंदर मेरी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। बट यस, निफ्टी के अंदर 16,000 के पोजिशनल टारगेट के लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी कोई भी डिप के अंदर। चलिए, तो 16,000 के लेवल्स आपको अब निफ्टी पर आते हुए दिख सकते हैं पोजिशनल बेसिस पर। लेकिन कोई भी डिप आता है यानी कि 15,700 के लेवल्स के नीचे बाजार फिसलते हैं तो वहां पे आपको खरीदारी करने की राय मिलते हुए दिख रही है, क्योंकि पोजिशनल और जो आपके टारगेट्स हैं वो बड़े हैं। तो नीचे की तरफ आपको 15,600 ये लेवल्स हैं जो आपको वॉचआउट करने होंगे। ये एक अहम सपोर्ट लेवल्स अब बनते हुए दिख रहे हैं। देखना होगा कि आज की क्लोजिंग किन लेवल्स पर निफ्टी और निफ्टी बैंक ही होती है, निफ्टी बैंक अवॉइड करें। लेकिन बिल्कुल जैसे कि रोहित भी आपको कह रहे हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी आपको 12:30 के शो में ये बताया गया था कि थोड़ी सी डिप आ सकती है इंडाइसेस पर, तो बिकवाली करने की राय थी आपको शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन चलिए रोहित, ये बताइए अदानी स्टॉक्स आपको लग रहा है कि कोई भी स्टॉक में अभी भी हम शॉर्ट कर सकते हैं अगर कोई सर्किट खुलता है तो? देवांशी देखिए, मेरे हिसाब से तो जो खबरें के चलते जो हम लोग ने स्टॉक्स की पिटाई देखी है यहाँ पर आपको फिलहाल तो थोड़ा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। फ्रेश शॉर्ट एज सच नहीं बन रहे हैं, बट यस कहीं ना कहीं अदानी एंटरप्राइज अदानी पोर्ट काफी अच्छे सपोर्ट से एक बाउंस दिखा रहे हैं। तो बट यहाँ पर मेरा बाइंग का भी कोई अभी यू नो इरादा नहीं है, बिकॉज जो एक बार खबरें के चलते जो पैनिक आया है वो कहीं ना कहीं हम लोग एक बार रूल आउट होते हुए देखेंगे। एक से दो सेशन हम लोग और वॉचआउट करेंगे स्टॉक्स को, उसके बाद में कोई रिकमेंडेशन रहेगा। आप फिलहाल अवॉइड करने की सलाह रहेगी अदानी ग्रुप को, शॉर्ट्स तो ना ही करें। ओके, तो इन लेवल से शॉर्ट नहीं करना है, दूर रहें ओवरऑल इस ग्रुप की कंपनी से, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सर्किट लग चुका है। तो अब बहुत ज़्यादा गिरावट फिलहाल इन लेवल से आते हुए नहीं दिखेगी। एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए आप अवॉइड कीजिए, देखिए क्या होता है, उसके बाद इसमें कोई भी ट्रेड लेने के मौके आपको मिलते हुए दिखेंगे। तो ये अदानी ग्रुप की कंपनीज की हम बात कर रहे थे जहाँ पे सारी कंपनीज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रही है। ओके, तो नतीजे कमज़ोर रहने का अनुमान कोल इंडिया की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। और आज भी आप देखिए बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में मूवमेंट आते हुए नहीं दिख रही है, लाल निशान के साथ ही कामकाज होता हुआ दिख रहा है 0.25% की गिरावट के साथ। रोहित बताइए, कोल इंडिया क्या करना चाहिए, इस स्टॉक में कोई ट्रेड बन रहा है? इंडिया की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक यू नो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को कल के सेशन में देखने को मिला था, फ्राइडे के सेशन में, और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो 155 काफी अहम जो है सपोर्ट है यहाँ पर। जब तक 155 के ऊपर ट्रेड कर रहा है
मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ 165 170 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जिसके पास में लॉन्ग्स है बिल्कुल बने रहे, 155 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है और ऊपर की तरफ जैसे कि मैंने टारगेट बताया 165 175 के मेरे ओवरऑल टारगेट्स रहेंगे। ओके, कोल इंडिया थोड़े से गेन्स बता सकता है 165-170 तक के टारगेट्स के लिए। खरीदारी करने की राय आपको कोल इंडिया पर मिल रही है, नतीजों का रिस्क जरूर है, तो स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करने की राय इस स्टॉक में मिलती हुई दिखी है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स है जिस पर हम डिटेल से में चर्चा करेंगे। चलिए रोहित, ये बताइए आज आपके रडार पर कौन से स्टॉक से क्या स्ट्रेटेजी आपकी? देवांशी, मेरा जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा JSPL, जिंदा स्टील। सभी मेटल पैक के अंदर एक हम लोग को ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि JSPL पे आपको यहाँ पर ध्यान रखकर चलना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 415 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक बार 450 रुपए तक का इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो JSPL मेरा पहला स्टॉक रहेगा। सेकेंड स्टॉक जो रहेगा वो डॉक्टर रेड्डी रहेगा। डॉक्टर रेड्डी के अंदर एक काफी मैसिव ब्रेकआउट हम लोग को फ्राइडे के सेशन के अंदर देखने को मिले थे और ब्रेकआउट के ऊपर आज भी प्राइसेस काफी अच्छे से सस्टेन कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार 5700 रुपए का मूव हम लोग को डॉक्टर रेड्डी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी मेरे बाय रिकमेंडेशन की और स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 5400 रुपए का रखना है, तो डॉक्टर रेड्डी और JSPL में मेरा बाय का रिकमेंडेशन रहेगा देवांशी। डेफिनेटली, तो आप देखिए, आप फार्मा, मेटल, आईटी, ये तीनों सेक्टर्स हैं जहाँ पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो डॉक्टर रेड्डीज, JSPL, ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको खरीदारी करने के मौके मिलते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए। रोहित, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो फिलहाल इस शो में बस इतना ही, लेकिन ज़्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए इसी बिजनेस। थोड़ी देर में आपके लिए लेके आएंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार।